गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सब है ओके है ना? तो वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। हमने पिछले क्लास में एक लेसन लिया था, तो आज वही क्लास में ले रही हूँ। किसी को याद है लेसन का नेम? विच लेसन? बुद्धि का सौदागर। बुद्धि का सौदागर। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ क्या है? विस्डम। सौदागर मार्च। आपने ये लेसन रीड किया 2 टाइम्स? ऑल आर रीड 2 टाइम्स? तो उसका अगला भाग मैं उसके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। सबके पास टेक्स्ट बुक है? ओपन द टेक्स्ट बुक। एवरीवन लुक द टेक्स्ट बुक। बुद्धि का सौदागर। हमने कहा था एक गुजरात के एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। द पुअर बॉय लिव इन स्मॉल विलेज इन गुजरात। ही डिड नॉट हैव ए पेरेंट्स। उसने क्या किया? उसके पास क्या नहीं था? आजीविका का कोई साधन नहीं। इस हैड ए नो मीन्स ऑफ लिवहुड इन द विलेज। इसलिए उसने टाउन जाकर एक दुकान रेंट पर ली और वहां पर एक काम करने लगा। क्या है? विजडम इज सॉलिड हियर। मतलब यहाँ बुद्धि, बुद्धि का सौदागर है। यहाँ क्या बिकता है? यहाँ बुद्धि बिकती है। सब पिछले क्लास में बताया था और उसका कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए एवरीवन, टेक्स्ट बुक और लेसन देखिए। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ताकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। सडनली सेठ ने क्या किया? उस लड़के ने, जो सेठ का लड़का है, उसने क्या किया? अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी को क्या दिया? एक पर्ची दी, स्लिप दी। तो पर्ची पढ़कर सेठ गुस्सा हुआ विथ एंगर और बोला, सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला। सेठ इमीडिएटली रश टू द मर्चेंट शॉप एंड एंगर एट हिम। लोगों को ताकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? डोंट यू फील एशेम्ड फॉर चीटिंग पीपल? मेरा एक पैसा वापस करो। गिव माई मनी बैक। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। द बॉय सेड, पैसा क्यों वापस कर? वाई डिड रिटर्न द मनी? माल लिया है, पैसा लिया है। आई ब्रॉट द मनी ओनली आफ्टर आई गिव द थिंग्स। ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रही। चाहिए नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल? यह लो, कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। ठीक है, हु सेड द सेठ? सेठ ने कहा, ठीक है ओके। यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। टेक दिस टर्न पीस ऑफ पेपर दैट यू आर कॉलिंग गुड्स। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। क्या कहा सेठ ने? नहीं चाहिए तुम्हारा माल। वी डू नॉट वॉन्ट यूअर गुड्स, कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। बाई सेइंग हु सेठ दिस द सेठ सेइंग दिस द सेठ स्टार्टेड रिटर्निंग इट इज स्लीप।
पर्ची नहीं मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। पर्ची नहीं मेरी सीख वापस करो। लड़के ने कहा, द बॉय सेड, पर्ची नहीं मेरी सीख वापस करो। आई डू नॉट वॉन्ट द स्लिप बट आई वॉन्ट टू माई लर्न बैग। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। अगर पैसा चाहिए तो इफ यू वॉन्ट यूअर मनी बैक, तो क्या करना पड़ेगा सेठ को? एक कागज पर लिखकर देना होगा। यू विल हैव टू राइट इट ऑन ए पेपर कि मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा, दैट योर सन विल नेवर यूज माई लर्न। तो क्या कहा लड़के ने? ओके, पर्ची नहीं तो मेरी सीख वापस करो। आई डू नॉट वॉन्ट द स्लिप बट आई वॉन्ट माई लर्न बैक। तो आपको पैसा चाहिए तो एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, इफ यू वॉन्ट वाट यूअर मनी बैग, यू विल हैव टू राइट ऑन ए पेपर दैट यूर सन विल नेवर यूज माई लर्न। कागज का अर्थ क्या है? पेपर। कागज का अर्थ पेपर। और फटा टुकड़ा, फटा मीन्स टर्न पेपर, टुकड़ा पीस, फटा टर्न टुकड़ा पीस, फटा टुकड़ा, फटा टुकड़ा का अर्थ क्या है? टर्न पीस। टर्न पीस, PIECE, पीस। जिसे माल कह रहे, माल मीन्स थिंग्स। तुम्हारा माल यह लो कहते हुए सेठ पर्ची वापस करने लगा। वापस करना रिटर्निंग। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। अंडरस्टूड एवरीवन? पर्ची नहीं मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। सीख मीन्स लर्न, सीख लर्न। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गई। बोथ आर एग्रीड। और क्या किया? सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गए। क्या हस्ताक्षर? सिग्नेचर। हस्ताक्षर सिग्नेचर। हस्ताक्षर का अर्थ सिग्नेचर, हस्ताक्षर। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गए। सेठ ने क्या किया? सिग्नेचर द पेपर एंड रिटर्न हिज मनी। समय बिताता गया, बिताना टाइम पासड, समय बिताता गया टाइम पासड। उस प्रदेश के राजा के दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हतापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। देखिए वहां तक, उस प्रदेश के राजा के दो रानियां थे, उस प्रदेश के राजा के दो रानियां थी। क्या था उस प्रदेश? द
The king of that region had a two queen. एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई. एक दिन one day both queens made went to market. बाजार market. दासियां maid. One day both queens maid went to market. वहां उनका झगड़ा हो गया. झगड़ा करते क्या है? फाइट. झगड़ा, फाइट. वहां जाकर, वहां उनका झगड़ा हो गया. बोथ ऑफ हिम आर स्टार्टेड व्हाट फाइटिंग. बात हतापाई तक पहुंच गई. हतापाई मिली. हतापाई मिली. बात हतापाई तक पहुंच गई. कहां तक पहुंच गई? एंड बोथ ऑफ हिम आर स्टार्टेड फाइटिंग एंड इट बिकम मिली. लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे. पीपल दे आर स्टैंडिंग एंड साइलेंटली. उन्हीं में सेठ का बेटा भी था. पीपल दे आर स्टैंडिंग साइलेंटली बाय लुकिंग एंड द सन ऑफ सेठ ऑल्सो देयर. सन ऑफ सेठ ऑल्सो देयर. सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए. सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए. Seeing the curer, all people left from there one by one. But, मगर सेठ का लड़का कारनामा के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था. मगर सेठ का लड़का. But according the agreement, the son, whose son of Seth, could not go from there. मगर सेठ का लड़का करारनामा के अनुसार. करारनामा मीन्स एग्रीमेंट. करारनामे एग्रीमेंट. एग्रीमेंट देखिए. मगर सेठ का लड़का करारनामों के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था. बट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट द सन ऑफ सेठ कुड नॉट गो फ्रॉम देयर. बस फिर वह अकेले ही खड़ा रह गया. कैसा खड़ा रह गया वे? अकेले ही. ही स्टूड अलोन. बस फिर क्या था? दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया. गवाह मीन्स विटनेस. गवाह विटनेस. गवाह विटनेस. लेकिन बस फिर क्या था? दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया. देन बोथ मेड हिम एज द विटनेस. और उसे अपना गवाह बना लिया. झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची. द मैटर ऑफ क्यूरल रीच द किंग एंड क्वीन. सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाया गया. राज दरबार रॉयल कोर्ट. राज दरबार. राज दरबार का अर्थ क्या है? दरबार. रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट. तो क्या हुआ? झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची. सेठ उसका लड़का राज दरबार में लाया गया. द मैटर ऑफ क्यूरर रीच द किंग एंड क्वीन. और क्या हुआ? सेठ और उसका लड़का. सेठ एंड बॉय वेयर ब्राउट टू द कोर्ट. कि वह उनके पक्ष में. दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे. दोनों रानियां. दोनों रानियां मीन्स बोथ क्वीन
asked the boy to testify in their favor. Testify of the queens asked the boy to testify in their favor. सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए, होश नम। नम्ब होश उड़ गए। ये सुनकर दोनों रानियों ने कहा कि मेरे तरफ से आपको क्या करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। बोथ क्यून्स आस्क्ड द बॉय। तो क्या हुआ, सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। सेठ एंड हिज सन बिकम नम्ब। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। सहायता हेल्प। क्या किया, वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। दे रीच्ड आउट द मर्चेंट ऑफ विस्डम फॉर हेल्प। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। एंड सेड, हैव टू सेव अस फ्रॉम दिस। किसने कहा, Who said to whom? Who said to whom? सेठ ने किससे कहा, बुद्धि के सौदागर से कहा। Who said? सेठ whom? किससे कहा, बुद्धि के सौदागर से कहा। क्या कहा, क्या कहा बच्चों, बोलो क्या कहा। हाँ, वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास बोले और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। एंड सेड, हैड टू सेव अस फ्रॉम दिस। किससे, राजा से। अंडरस्टूड एवरीवन दिस पैराग्राफ? यस या नो? नेक्स्ट देखिए, अगला पेज नंबर 16। दिस मीनिंग राइट द नोटबुक। ओके, मैं 500 रुपये लूंगा, लड़के ने कहा। मैं 500 रुपये लूंगा, लड़के ने कहा। द बॉय सेड, आई वॉन्ट फाइव हंड्रेड रुपीज। ठीक है, ये लो 500 रुपया। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकालकर सौदागर को दे दिए। ठीक है, ओके, ये लो 500 रुपया। किसने कहा, हु सेड? सेठ ने। होम, किस से? मर्चेंट बॉय से, ले बुद्धि का सौदागर से। क्या कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपया। ओके, टेक दिस 500 रुपीज। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकालकर सौदागर को दे दिया। सेठ इमीडिएटली टुक आउट 500 रुपीज एंड गिव इट मर्चेंट। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाए जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। द बॉय सेठ, बट देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाए जाए तो, चेक करें, देखो जब गवाही देने के लिए बुलाए जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। द बॉय सेड, बट देखो जब गवाही देने के लिए बुलाए जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। हाँ, बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। द विस्डम ऑफ मर्चेंट टोल्ड, व्हेन यू वेयर कॉल्ड फॉर टेस्टिफाई यू शुड बिहेव लाइक एन इनसेन। क्या है, पागल का अर्थ क्या है, मैड। और क्या व्यवहार, बिहेवियर। तो मर्चेंट ने कहा, द विजडम ऑफ मर्चेंट टोल्ड, व्हेन यू वेयर कॉल्ड फॉर टेस्टिफाई यू शुड बिहेव लीव एंड सेंस एंड साइन। तो सेठ के बेटे ने वैसा ही किया।
राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। द सेठ सन डिड द सेम। क्या किया उसने? राजा ने जब सेठ को और सेठ के बच्चे को रॉयल कोर्ट में बुलाया तो उसने क्या किया? पागल जैसा व्यवहार किया। बिहेव कैसे किया? लाइक एन इंसान। तो सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। वैसा ही किया मीन्स द सेठ सन डिड द सेम। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। क्या किया? द किंग थ्रू हिम आउट ऑफ द पैलेस बाय व्हाट? बाय थिंकिंग ही मैड। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हुई हो गई। बुद्धि के चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? तो इसी तरह इस बॉय का जो बुद्धि का जो सौदागर है उस जो वो फेमस होने लगा। उसके जो 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 बिजनेस वो डीलर कर रहा है वो सब फेमस होने लगा और राजा के कानों तक ये न्यूज़ पहुंच गया। क्या न्यूज़? कि बुद्धि का सौदागर है, वो क्या बेचता है? विजडम बेचता है। ये सुनकर इसी तरह कि एक दो घटनाएं हुई। इसी प्रकार वन आर टू सिमिलर इंसिडेंट और बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। वन आर टू सिमिलर इंसिडेंट हैपन डिस्कशन अबाउट द मर्चेंट ऑफ विजडम ऑल्सो reached in the ears of the king. तो राजा ने उसे बुलाया और पूछा, the king called here. और राजा ने कहा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? The king called here and asked, have heard that you selling the wisdom? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपए, सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? दैट यू सेलिंग द विजडम? तो द बॉय सेड, जी हुजूर, यस, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपए है। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क बट आई वांट 1,00,000 रुपीज। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए बोला। डीलर बॉय सेड समथिंग। कैसे बोला? हिचकते हुए, हेस्टनेटली। हिचकना, हेस्टनेटली, हिचकते, हिचकते बोला। हेसिडेंटली से उसने कहा, डीलर बॉय टोल्ड समथिंग हेसिडेंटली, तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि दे दो। राजा बोले, राजा सच, तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। आई विल गिव 1,00,000 रुपीज, बट तुम पहले बुद्धि दे दो। राजा बोले, इट यू फर्स्ट गिव द विजडम। द किंग सेड। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। द मर्चेंट गिव ए स्लिप टू द किंग। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। किंग ओपन द स्लिप एंड पर्ची पर लिखा था, देयर वाज ए नोट रॉट ऑन द स्लिप। क्या लिखा था? कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। यू वन शुड थिंक केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करने से पहले
खूब सोच लेना चाहिए, वन शुड थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। हम कुछ भी कार्य करने से, अच्छा हो या बुरा, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह सोचना, सोच लेना चाहिए कि ये सही है क्या गलत। उसके बाद ही हमको क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? आज खोलना का अर्थ क्या है? ओपन, खोलना, ओपन। ये आप राइट द नोटबुक दिस मीनिंग। फटा, टुकड़ा, टर्न पीस, सीख, लर्न, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, झगड़ा, फाइट, हतापाई, मिल, करानामे, एग्रीमेंट, गवाह, विटनेस, राज दरबार, रॉयल कोर्ट। होश, नम, पागल, मैड, व्यवहार, बिहेवियर, हिचकते। हिचकते का क्या अर्थ क्या है? क्या है बोलो? हिचकना एक्सीडेंटली बोलते हैं। तो आज यहीं तक ही मैं क्लास ले रही हूँ। आपको क्या करना है? टू टाइम अच्छी तरह रीड करना है। और इसका प्रश्न का पेज नंबर 70 देखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर दिस क्वेश्चन। मौखिक, मौखिक क्या है? और निर्धन लड़के के मन में कौन सा अद्भुत विचार आया? निर्धन लड़के के मन में, निर्धन, पुअर बॉय। When wonderful idea come to the mind of poor boy, क्या आया था? इसका आंसर क्या है? यस बोलो। शहर जाकर क्या था बोलो? एक दिन शहर जाकर उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। शहर जाने कर उसने एक दुकान किराए पर लिया। ले और सेकेंड सेट, अपने लड़के पर गुस्सा क्यों हुआ? व्हाट डिड द सेट गेट एंग्री विथ दिस बॉय? क्या था, क्यों उसने गुस्सा किया बोलो? सेट कले का एक पैसे से क्या खरीद कर लाया था? अकल नाम पर एक काकश का टुकड़ा लेकर आया था। 1 रुपीज दिया और उसके स्थान पर क्या दिया? एक कागज का टुकड़ा, टर्न, फटा टुकड़ा, टर्न पीस लेकर आ गया। ये देखकर सेठ को गुस्सा आया। और तीसरा, सौदागर ने किस शर्त पर सेठ के लड़के के पैसे वापस किए? व्हाट कंडीशन डिड द मर्चेंट रिटर्न सेठ बॉय मनी? क्या कंडीशन था? बोलो। सेठ ने, लड़के ने बोला क्या कि मैं वापस, सेठ के पैसे वापस किया, लेकिन कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आपके लड़के ने जो मैंने सीखा, जो लर्न है, वो कभी भी उसका इस्तेमाल ना करना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, राजा को दी गई सीख क्या थी और उसकी कीमत कितनी थी? What was the lesson given to the king and how much was it worth? क्या थी, कितनी थी? कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए, वन शुड थिंक केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग। ये है मौखिक का उसमें। एवरीवन अंडरस्टूड? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इन माय क्लास। ओके, आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। एनी डाउट प्लीज यू कॉल मी। आज यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।